सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस आज मैं आपको बताने वाली थी, आपका लैपटॉप या पीसी हैंग होता है जब भी आप उसको स्टार्ट करते हो, तो कभी कभी स्टार्ट करने में यहाँ पे काफ़ी टाइम ले लेता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिनको आप अपने लैपटॉप या पीसी में फॉलो करके, यूज करके अपने लैपटॉप या पीसी को 100% सुपर फास्ट बना सकते हो। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप की हैंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर वन, जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हो, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होती हैं, जो जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक रन होना चालू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको उनको डिसेबल करना हो। उनको डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। जब भी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एक साथ प्रेस करना आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ लिस्ट बन के आएगी, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको चूज कर लेना टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपको चूज करना है। बॉटम साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा, देख सकते हैं स्टार्टअप, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन आएंगे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन यहाँ पे डिसेबल कर रखे हैं। ओके, हो सकता है आप कहाँ पे इनेबल हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आपके इनेबल हो तो आप उनको डिसेबल कर दें। ओके, तो इनसे क्या होता है, जब भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उनके साथ ही यहाँ पे रन होना चालू हो जाते हैं। इससे ही हमारे जो भी कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है काफ़ी हैंग होने लगता है। तो इनको डिसेबल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद हो सकता है आपका इस तरीके से यहाँ पे इनेबल हो। ओके, देख सकते हैं। तो इनको डिसेबल करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसको डिसेबल के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना है। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन यहाँ पे डिसेबल कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। ओके, तो इससे भी आपका जो भी लैपटॉप या पीसी होता है काफ़ी यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे फास्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। जब भी आप अपने लैपटॉप या पीसी को यहाँ पे ओपन करते हैं, नेट कनेक्ट करते हैं, तो आपके जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो बार बार यहाँ पे आने लगते हैं। ओके, इससे भी आपका जो भी लैपटॉप या पीसी होता है काफ़ी हैंग होने लगता है। तो नोटिफिकेशन को यहाँ पे बंद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पे तो बॉटम साइड में यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, तो इसमें आपको टाइप करना है नोटिफिकेशन। देख सकते हैं जब भी आप नोटिफिकेशन यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास यहाँ पे विंडो 10 है। ओके, नोटिफिकेशन एंड एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं नोटिफिकेशन, हो सकता है आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑन हो। ओके, पहले से मैंने इसको ऑफ कर रखा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ऑफ कर दें। ओके, इससे भी आपका जो भी लैपटॉप या पीसी होता है काफ़ी हैंग होने से यहाँ पे बच जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग आती है कंप्यूटर लैपटॉप की विंडो अपडेट को। यहाँ पे जब भी आप अपने लैपटॉप या पीसी में नेट कनेक्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पे विंडो अपडेट यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होने लगती है, तो उसको आपको यहाँ पे डिसेबल करना होगा। ओके, तो विंडो अपडेट को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले जाना। इसके बाद आपको यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का, आपको इसके ऊपर यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं मैनेज, आपको मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपको चूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस एंड एप्लीकेशन, आपको इसके ऊपर यहाँ पे माउस से डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके देख सकते हैं सर्विस का, आपको इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपको चूज करना है विंडो अपडेट। देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है विंडो अपडेट, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा विंडो अपडेट। ओके, इसके ऊपर आपको माउस से डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं स्टार्ट टाइप। ओके, स्टार्टअप टाइप, तो आपके सामने यहाँ पे हो सकता है डिसेबल हो, या यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिक हो। ओके, या मैनुअल हो, तो आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, या आप यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। ओके, डिसेबल करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे ओके ओके कर देना है। ओके, इससे भी आपका यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप काफ़ी हैंग होने से बच जाता है। और इसके दो फायदे हैं, आपका जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अपने मोबाइल से नेट कनेक्ट करेंगे तो नेट भी आपका
कम खर्च होगा। ओके, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में नेट कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट चालू हो जाती है। अपडेट चालू होने के बाद आपका जो भी डाटा है मोबाइल का काफ़ी यहाँ पे कंज्यूम कर लेता है, काफ़ी यहाँ पे खर्च कर देता है। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नेक्स्ट सेटिंग करनी है। आप जब भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कई सारे यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो, ओके, तो इसमें से हमारे कई काम के होते हैं, कई काम के नहीं होते, ओके, तो इसमें से आपको जब भी काम के नहीं होते हैं तो उनको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देते हो। सिंपली अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा हो, देख सकते हो, इस प्रकार से आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ओके, इसमें से आपको चूज करना है एप्स। आपको यहाँ पे एप्स के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देगा, देख सकते हैं, एप्स एंड फीचर्स। आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे अनइंस्टॉल होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे अनइंस्टॉल होंगे, सारे यहाँ पे ओपन होकर आ जाएंगे। इसमें से आप जिन्हें यूज नहीं करते हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि इससे भी आपकी जो भी कंप्यूटर की मेमोरी वगैरह होती है काफ़ी यहाँ पे भर जाती है। इससे भी आपका जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप होता है काफ़ी हैंग होने लगता है, ओके, तो इसमें से आप जिन्हें एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हैं उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप पर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक आता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई फाइल, मूवी या टेक्स्ट, कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से डिलीट करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लो ये फोटो डिलीट करना, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको इस तरीके से डिलीट कर देते हैं, ओके, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे डिलीट नहीं करना, क्योंकि अभी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से यहाँ पे अभी परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, ओके, देख सकते हैं। आप यहाँ पे रिसाइकल बिन में क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे, देख सकते हैं, आपके यहाँ पे फोटो यहाँ पे आ चुका है। आपने कोई फाइल वगैरह डिलीट करोगे तो यहाँ पे आ चुकी है, ओके, तो आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से डिलीट करते हो तो आपका यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे फुल हो जाती है और आपका लैपटॉप या पीसी हैंग होने लगता है, ओके, तो आपको सिंपली किस तरीके से डिलीट करना मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली मान लो आपका इमेज है, तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना शिफ्ट, ओके, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करके इसको डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके, ऐसे आप डिलीट करेंगे, देख सकते हैं, आर यू श्योर योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यानी कि आपकी हमेशा के लिए फाइल ये डिलीट होने जा रही है, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी है, ओके, मैं यहाँ पे रिसाइकल बिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फाइल मेरी नहीं है, ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल, फोल्डर, टैक्स वगैरह किसी को भी डिलीट करते हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, ओके, इससे भी आपकी जो भी रिसाइकल बिन होती है उसमें नहीं जाती, तो इसकी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की मेमोरी यहाँ पे खाली बनी रहती है, ओके, इससे भी आपका जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप है काफ़ी हैंग होने से बच जाता है। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में नेक्स्ट सेटिंग करनी है। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यहाँ पे अपने जो भी दिस पीसी है या कंप्यूटर है आइकन है उसको आपको ओपन कर लेना है, ओके, ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे नोकल डिस्क सी है, इसको आपको अपने स्पेस रखना है, यानी कि इसमें खाली जगह रखनी है, ओके, हो सकता है इसमें कई सारे एप्लीकेशन हों, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हों, ओके, हो सकता है आपके यहाँ पे रेड दिखाई दे रही हो, तो आपका इससे भी कंप्यूटर या लैपटॉप काफ़ी हैंग होने लगता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेटिंग थी, कुछ यहाँ पे टिप्स थे जो मैंने आपको बताए थे। यदि आपका अब भी लैपटॉप या पीसी हैंग हो रहा है तो आप सिंपली उसे रिस्टोर कर सकते हैं, इससे भी आपका लैपटॉप या पीसी हैंग होने से सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपके में ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका पहले से कितना लैपटॉप पीसी यहाँ पे फास्ट हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।